इस कविता को अब्दुल जब्बार साहब ने रचा है और पूरे भारतवर्ष में सुनी जाती है। अब्दुल जब्बार साहब आज भी 4 राजस्थानी फिल्मों के गीत लिख रहे हैं। एक बार अब्दुल जब्बार साहब को सुन लिया जाए, और वो सुन लिया जाए जिसे लिखने के बाद मॉरीशस सरकार ने 20 दिन की सरकारी यात्रा पे उन्हें एक कविता पढ़ करके उन्हें बुलाया और वहां की संसद में आपकी कविता को, आपके गीत को, जो कि आपने महाराणा प्रताप की शान में लिखा, तो मैं आपके बीच में उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं और इन शब्दों के साथ बुलाता हूं, क्योंकि हम शीश पर गीता और कुनान रखते हैं, हम हर पल जिंदा अपना स्वाभिमान रखते हैं, मौत भी लौट जाती है हमसे आंख मिलाकर, क्योंकि हम दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। आइए आमंत्रित करते हैं हिंदुस्तान के नायाब फनकार, नाम है जिनका अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार साहब आए और हम उनका गीत सुने, ताले हो जाए एक बार उनके लिए। मेरे बारे में बताई दिया है, ज्यादा वक्त आपका जया नहीं हो इसकी पूरी कोशिश करूंगा। इस टॉक को मैंने मक्का मदीना में याद किया, ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए, और ये सोचा कि एक दिन इस शहर की दीदार करेंगे। आपकी वजह से, इस बटालियन की वजह से मुझे आप सबकी दीदार करने के मौका मिला। मैं आपका चित्तौड़गढ़ की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ रहा हूँ। स्वागत स्वागत, तालियां हो जाए आपकी। पहले तो मैं इस बटालियन के सम्मान में 2-4 पंक्तियां नजर कर रहा हूं, एमएलए साहब सुनने की अगर मंजिल हो, कारवां हो, करिश्मा कमाल हो, मंजिल हो, कारवां हो, करिश्मा कमाल हो, हमदर्द हो इंसान के जलती मशाल हो, तुम्हारी मिसाल ढूंढना मुश्किल मेरे लिए, तुम्हारी मिसाल ये है कि तुम बेमिसाल हो। तुम्हारी मिसाल ढूंढना मुश्किल मेरे लिए, तुम्हारी मिसाल ये है कि तुम बेमिसाल हो। और समाज फरमाइए कि इस गुलशन के हर फूल को बचाने के लिए, इस गुलशन के हर फूल को बचाने के लिए, आजादी के उसूल को बचाने के लिए, वादी कश्मीर की हिफाजत के लिए, रावी गंगा नीर की हिफाजत के लिए, हर नौजवान देश में कुर्बान रहेगा, हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा, हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा, हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा। और इन जवानों को सलाम करते हुए कुछ वक्त देखेगा कि सीमाओं की शानों हिफाजत तुमसे, आती दुश्मनों की भी कयामत तुमसे, तुमसे है देश में खुशहाली के मकाम, मेरे फौजी भाई मेरा तुझको सलाम, मेरे फौजी भाई मेरा तुझको सलाम, मेरे फौजी भाई मेरा तुझको सलाम। सबको जल्दी है, मैं शिक्षक हल्दीघाटी सुनाते हैं, जिस कविता से आपको देश में जाना जाता है, माना जाता है, बहुत सारे गीत हैं, लेकिन इस वक्त आप हल्दीघाटी सुना दें। कुछ वीर हल्दीघाटी जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने यहाँ बैठा हुआ तब पूछ रहा था प्रदीप भाई से कि जब जब भी कोई कवि खड़ा होता है बोलने के लिए तो ये 5-10 श्रोता खड़े क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो कवि खड़ा होता है उसके सम्मान में 5-10 श्रोता खड़े होते हैं और फिर बैठ जाते हैं। आपका सम्मान गंगा जमुनी माहौल है यहाँ का। हाँ जी, स्वागत आपका। बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले कृष्ण कन्हैया अपनी मीरा प्रेम दीवानी से, चंदन का बलिदान ये बोला पन्ना तेरी कहानी से,
और ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से, प्रताप का प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। कभी आप तशरीफ लाए चित्तौड़गढ़ तो आप देखेंगे कि चित्तौड़ दुर्ग की कला कीर्ति यश वैभव अनमोल, चित्तौड़ दुर्ग की कला कीर्ति यश वैभव अनमोल, शौर्य शिखर पर सूरज बैठा जैसे घटड़ी खोल। शौर्य शिखर पर सूरज बैठा जैसे घटड़ी खोल, देश प्रेम का ये प्रतीक है सदियों से जब्बार, यहाँ तो मीरा प्रेम दीवानी कृष्ण को लेती मोल। यहाँ तो मीरा प्रेम दीवानी कृष्ण को लेती मोल। और जिसका आदेश हुआ है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, देखिए शीर्षक स्वागत आपका महाराणा प्रताप। और ये जो लोग नहीं कोई नहीं तो बच्चे हैं, हाँ हाँ जाने दो इनको, आने से कोई रोक से कतर जाने से रोक सही है। ये मैं आपको देखकर के गिरा कर तीन, हाँ स्वागत आपका, तीन पंक्तियों में आपकी दाद चाहूंगा ताकि ये रचना अपने आप आगे बढ़ जाएगी। साहू साहब, हाँ हाँ, शोणित धरती गंध गुलाबी ये चंदन की भांति है, मांग भरो तिलक लगाओ ये सिंदूरी माटी है, शीश कटा पर झुका नहीं रण क्षेत्र ये हल्दी घाटी है, इतिहास में सोने के अक्षर है, इतिहास में सोने के अक्षर है, इसकी हर तारीफ में सुन लो, मातृभूमि की रक्षा कैसे होती है इस गीत में सुन लो, मेवाड़ की मर्यादा मंदिर की, अरे मेवाड़ की मर्यादा मंदिर की मूरत से भी प्यारी थी, प्राण जाए पर वचन न जाए आन रक्त से प्यारी थी, सैन्य शक्ति निर्बल राणा की। बहुत चलो कोई अभी वो तो महिलाएं हैं उन्हें हल्दी घाटी से लेने देना है। सैन्य शक्ति निर्बल राणा की मुगल फौज का पार नहीं था, थोड़े थे रजपूत बांकुरे उनको भी हथियार नहीं था, व्याकुल मन मुख मंडल फीका। बैठो आप लोग बैठो, दो मिनट बैठ जाओ, वहां भी बहुत सारे कोई काम नहीं है, घर पे भी भोजनिया हो ही चुका सबका। व्याकुल मन मुख मंडल फीका, भातृभाव अधरों पर थिरके, शक्ति सिंह को गले लगाने राणा की अखियां पथ निरखे, वंश लजाया शक्ति तूने, अरे वंश लजाया शक्ति तूने, बनकर बेरी का बंजारा, वंश लजाया शक्ति तूने, बनकर बेरी का बंजारा, अफसोस मिलेगा रण में मुझको जाएगा तलवार से मारा, खाली देख खजाने सारे, खाली देख खजाने सारे, अरे खाली देख खजाने सारे, दाता दीन सियाह भरे, मत निराश हो राणा देखा पीछे भामा शाह खड़े, मेवाड़ के मालिकवान रहे करे गर्व इतिहास सदा, करो करोड़ों खर्च खजाने भामा शाह भरे सदा, पतझड़ में सावन लाया हो, अरे पतझड़ में सावन लाया हो, तेल दिया बुझती बाती में, स्वागत करने राणा पहुंचे बेरी का हल्दी घाटी में, दसों दिशाएं हिली देवता दर्शन के द्वारे आए, धरा धन्य हो गई थी जिसने पूज्य ऐसे जन्माए, अश्व का राजा धन्य धरा पर, अश्व का राजा धन्य धरा पर, अश्व का राजा धन्य धरा पर, धूमधाम से धीर न धारे, स्वेद वक्ष पर हाथ फिराते राणा चेतक रूप निहारे,
आज परीक्षा तेरी चेतक, आज परीक्षा तेरी चेतक, चंचल चपला साधु बन जा, तीर गति पाऊं घर रण में, दुश्मन मेरी लाश न ले जा, छोड़ मुझे मत जाना चेतक, छोड़ मुझे मत जाना चेतक, चाहे जो भगवान बुलाए, पावन प्रताप के चरण चूमता, चेतक ने न नीर बहाए, एक लहर सी उठी पवन में, एक लहर सी उठी पवन में, खनन खनन खन की तलवारे, भाला बरछी तो कटारी, धनन धनन तो पे ललकारे, जय एक लिंग से गूंजा अंबर, जय एक लिंग से गूंजा अंबर, रण फेरी ललकार उठी, गिरे गगन से पुष्प करोड़ों, जब राणा की तलवार उठी, थी वसुंधरा सनी रक्त से प्रलय दृश्य जो हृदय हिलाए, घोड़ों की टापों से टपके, लहू जंग का जोश दिलाए, करूं कल्पना कर नहीं पाऊं, हरिता के दो पार्ट मिले हों, बिन बादल बरसात बिजली, धरती और आकाश मिले हों, एक भील दस माथे काटे, भुजा भील की उड़ती जाए, लाशों के अंबार हो गए, फिर भी दुश्मन बाज ना आए, मुगल सपे सालार जंग में सेनापति, मुगल सिपे सालार जंग में बना थराना काज निशाना, हाथी से ऊपर था चेतक, रहा न उसका कोई ठिकाना, पर नहीं बदल, क्या बढ़िया दृश्य खींचा आपने गजब, पर नहीं बदलती भाग की रेखा, वक्त का भी साथ नहीं था, चेतक जब हाथी से उतरा, उसका अगला पाँव नहीं था, पाँव पर चला बचाने, अरे तीन पाँव पर चला बचाने, अपने मालिक की मर्यादा, तीन पाँव पर चला बचाने, अपने मालिक की मर्यादा, वफादार था बड़ा जानवर, आज के इस इंसान से ज्यादा, वफादार था बड़ा जानवर, आज के इस इंसान से ज्यादा, पहचानी आवाज थी पीछे, पहचानी आवाज थी पीछे, जरा ठहरना मेरे दादा, शक्ति सिंह को आते देखा, बोले राणा क्या है इरादा, पाँव पकड़ कर लगा चूमने, अरे पाँव पकड़ कर लगा चूमने, शक्ति सिंह को यही शिकन था, उमड़ पड़ा सावन नखियों से, भरत राम का यही मिलन था, क्या उपमा दूं कहो जरा तुम, क्या उपमा दूं कहो जरा तुम, शब्द कहां से ढूंढ के लाऊं, कितने दुर्लभ क्षण सुंदर थे, काश में ऐसा जीवन पाऊं, दिशा दिखाने लगी रास्ते, उस सपूत को जिधर गया रे, आन अमर हो गई, अरे सुन मेवाड़ का गौरव निखर गया रे, वचन तोड़ कर चल न चेतक, अरे वचन तोड़ कर बोल न चेतक, चला अकेला आज किधर को, धैर्य कधर सीने पर पत्थर, चूम लिया चेतक के सर को, शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा, राणा के हाथों में थमाया, भाई तो भाई होता है, चाहे लाखों कहे पराया, भाई तो भाई होता है, चाहे लाखों कहे पराया, तारीख बदलती चली जाएगी, जब तक ये संसार रहेगा, हल्दी घाटी तेरी गाथा, जन्म जन्म जब्बार कहेगा।